वहां पे कुछ फोटो लगी थी, इसलिए उनको उग्रवादी बोल दिया। क्यों? क्या बीजेपी के नेता जो भ्रष्टाचारी साबित हो गए हैं या बलात्कारी साबित हो गए हैं, कुलदीप सेंगर जैसे, उससे पूरी बीजेपी बलात्कारी हो गई है? जब हम बात रखते हैं किसी एक फोटो को देख के या एक विचार को देख के, आप पूरी लाखों करोड़ों जनता को बदनाम करोगे? उनको अगर आप उनके लिए कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते, उनका हौसला नहीं बढ़ा सकते, तो उस हौसले को तोड़ने के लिए आप किसी हद तक भी जाओगे? आपकी सर मीटिंग, आपकी प्लानिंग ऐसी होंगी? ये बात शोभा नहीं देती। ये देश के जनतंत्र की जीत हुई है, संघर्ष की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और बात रही कि कुछ ही किसान थे, 90% देश की आजादी में भी पूरी मूवमेंट खड़ी नहीं हुई थी। देश की आजादी में भी पहले कहां से ज्यादा लोग शुरू हुए थे, वो भी आप गिनती कर लीजिए। कहां से ज्यादा लोगों ने शहीदी दी थी, कहां से कितने लोग फांसी पे गए थे, वो भी लिस्ट बना लीजिए। तो इसलिए ये लोगों के संघर्ष को सलाम करते हैं हम, ये लोगों के संघर्ष की जीत। जी हमारे साथ साइमा खान है। साइमा खान वो है जो उषा रानी शनिवार जी, को क्या प्रोटेस्ट 26 जनवरी को भी जो हुआ उसका भी उसको भी आप सपोर्ट करती हैं? मैंने 26 जनवरी में जो हुआ, जिसने जो गलत किया, मैं उसकी कभी सपोर्ट नहीं करती। पर सभी को एक साथ जोड़ना ये ठीक बात नहीं है। वो तो जो लोग थे उसके बारे में मैं अलोकी खुद किसानों ने मुतालबा किया था कि आप उनको पकड़िए, सजा दीजिए, हमारे लोग नहीं है, बाहर से आए हुए लोग हैं। साइमा खान आपको क्या लगता प्रधानमंत्री है? मोदी जी के साथ उनकी सतेज तस्वीरें भाई भी जो ट्रैक्टर बहुत। दौड़ा रहे थे क्या वो भी बाहरी लोग थे जो ट्रैक्टर हाँ, दौड़ा रहे थे नहीं, पुलिस के सुधा ऊपर? जी ने सही कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनकी तस्वीरें थी, वो बीजेपी के लोग थे। और ये बिल्कुल गलत बयानी है। कोई कई सारे बीजेपी ऐसा का आदमी मोमेंट नहीं था जो हुआ वहां है ट्रैक्टर लेके कि दौड़ा रहा था। कोई कोई बीजेपी का आदमी वहां ट्रैक्टर लेके पुलिस नहीं, वालों को नहीं रोंद रहा जिसने था। खालिस्तान का झंडा अरे लगा के लाल वो किया तो, था। एक मिनट, बीजेपी का आदमी नहीं था जो पुलिस वालों को रोंद रहा था, जो लखीमपुर में किसानों को रोंद रहा था, वो तो बीजेपी का आदमी था। क्या उससे पूरी बीजेपी कातिल हो गई? नहीं उषा उषा रानी नहीं जी नहीं आप बताइए, वो मैटर पुलिस सब वालों जुजिस को है, रोंदने वाला किसान नहीं था। वो मैटर सब जुजिस है, उस पर आप अपना कमेंट ना दे तो बेहतर होगा। वो वो सब मामला आगे इस अभी पर सुप्रीम चर्चा करेंगे। कोर्ट डॉक्टर के शमन निगरानी में मोहम्मद, चल रहा है, अभी उस पर सब जुजिस है, इसलिए अभी उसका चौदह बाईस आउटकम उन्नीस आने का जज है दीजिए। सुप्रीम तो कोर्ट, अभी कोई कोर्ट सब जुडिस नहीं में है। चल रही है, उसकी भी जांच चल रही है। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com